गोविंद बहुत आलसी है। उसके पास 3 बीघा जमीन है, फिर भी वो खेती नहीं करता। उसे कोई काम अच्छा लगता ही नहीं। इसी आलसीपन की वजह से उसकी बीवी को भी ये पसंद नहीं था। उसकी बीवी गुस्सा होकर बोली, अभी भी पड़े पड़े सो रहे हो? पता नहीं कौन से मिट्टी से बने हुए हो तुम। समझ में नहीं आता ये इंसान सोता कैसा इतनी देर। क्या करूं भाग्यवान, मुझे बस नींद ही आती रहती है। मैं कह रही हूँ कि हर किसान बाहर जाके 2 पैसे कमाता है तो रोटी आती है, और तुम क्या कर रहे हो? और मेरा नसीब देखो। देखो मेरे सामने उबासी ले रहे हो, उबासी लेना बंद करो। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? अभी के अभी बाहर जाओ और जितनी जमीन है सब जोत के आओ, समझ गए? और अगर पूरा काम नहीं कर पाए तो गलती से भी घर पे लौट के मत आना, समझे तुम? बाहर जो आंगन है ना, वहाँ पे पड़े पड़े सोते रहना तुम। बाप रे बाप, 3 बीघा जमीन को मुझे जोतना है और यही सोचकर मुझे नींद आ रही है। हल चलाऊंगा तो मैं बीज नहीं बो पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो सो ही जाता हूँ और उसके बाद ही कुछ करूँगा। सारा का सारा जमीन आज के आज ही जोत के आओगे, समझे तुम? और अगर नहीं किया तो गलती से भी घर पे लौट के मत आना। अरे बाप रे, अगर आज काम नहीं किया तो बीवी घर में घुसने नहीं देगी। अरे अरे रे, अब मैं सो नहीं सकता, अब मुझे काम करना ही होगा। बाप रे, धूप इतनी तेज है, मेरे तो पसीने ही छूट रहे हैं। अब थोड़ा पानी पीना ही पड़ेगा, पानी पीकर फिर काम शुरू करता हूँ। ओ गोविंद बेटा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी दोगे? अच्छा पानी पियोगी? हाँ ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, पीजिए ना, पानी पीजिए। गोविंद मुझे ना बहुत भूख भी लगी है। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं माता जी, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा मतलब तुमने भी कुछ नहीं खाया बेटा? नहीं माता जी, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मेरी बीवी ने आज मुझे खाना दिया ही नहीं। ऐसा क्यों बेटा? मैं बहुत ही आलसी हूँ, मुझे तो बस नींद ही आती रहती है। मुझे खेती बाड़ी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ, अब मैं क्या करूँ बताइए ना। ठीक है तो फिर तुम कोई दूसरा काम करो। क्या करूँ, मुझे कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। आज मैंने बहुत ही कम काम किया है और मुझे कब से आलस और नींद ही आई जा रहा है, कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रही हूँ, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो सकती है बेटा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। कौन सी बात माँ? सुन फिर, एक काम कर तू, आज थोड़ी तकलीफ उठा के सारी की सारी जमीन जोत दे तू और धान उगा, और जो धान उगेगा हर बीघा के 1 धान में 1 सोना तो उगेगा, और तुझे ऐसे 3 धान मिलेगा और जो होगा पक्का सोना। और अगले बार जब तू फिर से खेतीबाड़ी करेगा तो तुझे 3 की जगह 6 सोने का धान मिलेगा, और वैसे ही तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक दिन देखना तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब धान तेरा सोना हो जाएगा और तुझे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। फिर तो कोई भी मुझे नींद से जगाएगा ही नहीं, कितना मजा आएगा, जब मन करे सो जाऊंगा। हाँ सही कहा, जब मन हो तब तू सो सकता है, अब जाकर काम। अच्छा माँ, अब मैं घर जाके आपके बारे में अपनी बीवी को जरूर बताऊंगा, सारी बातें बता दूंगा, ठीक है ना? सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ। तुम सो सो कर सपना तो नहीं देख रहे हो ना? हाँ सो तो मैं गया था, लेकिन बाकी सब चीजें मैंने अपनी आँखों से देखी है, तब बिल्कुल नहीं सोया था मैं। तो फिर लौट कर क्यों आए? जाओ और जाकर जमीन जोत कर आओ, आज ही सारे काम खत्म करो। अब तो शाम हो गई है, भला इतनी बड़ी जमीन में एक ही दिन में कैसे जोत पाऊंगा? सब संभव है, अगर धान में सोना मिल सकता है तो ये भी संभव है, समझे तुम? और अगर पूरी शाम कम पड़ जाए तो रात को भी तुम करना, रात को भी काम करते रहना, लेकिन घर मत आना, समझे तुम? ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है और तुम ऐसे वक्त जाया कर रहे हो। आज रात को ही जमीन जोत कर हम लोगों को बीज डालना पड़ेगा, समझे तुम? सब काम आज ही होना चाहिए।
चलो शुरू करो। भाग्यवान आज रहने दो ना, बहुत नींद आ रही है। अरे उठ जाओ, सुबह हो गई है, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें कुछ? जल्दी उठो और जाओ। पर अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला, अभी तो अंधेरा ही है। सुबह से खेती के लिए जाओगे या नहीं? धान में पानी डालना होगा, अगर कोई गंदगी होगी तो उसे साफ करनी होगी। अच्छा धान नहीं उगेगा तो सोना कहाँ से मिलेगा बताओ तुम? मैं खेत में आकर तुम्हें तुम्हारा खाना भी दे दूंगी। आज हम दोनों वहाँ बाहर ही रहेंगे, पहरा भी देंगे। पहरा क्यों देना होगा, वहाँ पर तो सबके खेत हैं। सबके धान में सोना थोड़ी ना है तुम्हारे धान जैसा। और अगर एक भी धान खराब हो गया तो क्या करेंगे हम? और जो धान खराब हो गया अगर उसमें सोना रहा तो क्या करेंगे हम लोग? फिर कुछ दिनों बाद उसका सारा खेत लहराने लगा। धान के ऊपर सूरज की किरण पड़ते ही खेत सोने की तरह चमकने लगा। कितना अच्छा लग रहा है बताओ। हाँ भाग्यवान, देखो कितना चमक रहे हैं, बिल्कुल सोने जैसा चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सोने की खेती हुई है। अब इतने सारे धान में से सोने का धान कौन सा है कैसे पता चलेगा, बताओ जरा बताओ। चुप करो, कोई सुन लेगा तो? अगर किसी ने सुन लिया तो वो भी आकर सोना मांगेगा हमसे, और हम काटने से पहले कोई और काट कर ही ले जाएगा हमारा सोना। अभी देखना शुरू करता हूँ कि कौन से धान में सोना है और कौन से में नहीं। तुम्हारे जैसा दिमाग है वैसे अगर हम सोना ढूंढने जाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? उससे अच्छा तुम सारे धान काट लो और सारा धान घर ले जाओ, फिर सोना ढूंढेंगे। पर इतने धान काटने में तो काफी वक्त लग जाएगा। अरे मैं अकेला इतना सारा काम नहीं कर सकता हूँ, एक दो आदमियों को बुला कर लाता हूँ। तुम्हारे दिमाग से काम करूँ ना तो सारा सोना चला जाएगा, जिंदगी भर कभी सोना नहीं मिलेगा, सिर्फ घास मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर लोगों ने धान से सोना निकाल लिया तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे हम? हम दोनों करेंगे, समझे? हाँ समझ गया। क्या रे गोविंद, क्या आज बीवी के साथ सुबह सुबह आ गया फसल काटने? क्यों क्या बात है, हमें भी तो बताओ। अरे वाह, इस बार तो गोविंद की अच्छी खेती हुई है, इस बार सबसे ज्यादा धान उसी के खेत में होगा। सच बोले आप, इस बार गोविंद ने काफी मेहनत की है इसलिए तो इतनी फसल होगी है। पर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो तुम? धीरे काटोगे तो फसल अच्छी कटेगी, समझे? आज ही हमें सारा धान काटना होगा क्योंकि कल खरीदने वाले लोग भी तो आ रहे हैं ना, इसलिए आज सारा काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो और भी लोग ले आओ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना चाचा, और एक दिन में हमें आदमी कहाँ से मिलेगा? अब आप ही बताइए क्या करूं? अरे हम लोग तो है ही ना, बोले तो हम लोग तुम्हें धान काटने में मदद करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं 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 चाचा, आप लोगों को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ये काम कर लेंगे अच्छे से, हम दोनों है ना। ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, चलो हम चलते चलो, हैं। चलो 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 अच्छा हुआ ये लोग चले गए, अब फटाफट अपना हाथ चलाओ और काम पे लगो। देखा सब लोग कैसे सोना सोना कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं हमारे। नहीं बाबा, आज ही सब सारा काम खत्म करना है बस। सुनते हो, सोना तो मिला ही नहीं, तुमने अच्छे से सारा धान देख लिया ना, बताओ जरा। हाँ भाग्यवान। तो अब क्या करेंगे, इतना सारा धान तो ऐसे फेंक नहीं सकते, इसे तो बेचना होगा। एक काम करो, किसी को बुला लो और सारा धान बेच दो। हाँ तो ठीक है, तो मैं जाकर मोहित शर्मा को ये बोल देता हूँ कि हमारा धान तैयार है। तुमने तो काफी अच्छी फसल उगाई है, लग रहा है सोने की फसल उगी है। वाह वाह वाह, माँ लक्ष्मी प्रसन्न है तुम पर। आपने सही कहा। गोविंद, तुम्हें तो पता ही होगा कि अच्छी फसल हो तो मैं पैसों के बारे में हिचकिचाता नहीं हूँ, तुम्हारे धान के बदले मैं अच्छा मूल्य दूंगा। अब मैं अगली फसल के लिए अभी से पैसे दे रहा हूँ, अगली बार जो धान उगेगा वो मुझे ही चाहिए और किसी को मत देना, ठीक है? याद रखना ये बात, धान की फसल अच्छी होगी तो सारी फसल मैं ही लूंगा और उसके बदले में काफी अच्छे पैसे दूंगा, क्या समझे? हाँ वैसा ही होगा, है ना भाग्यवान? हाँ हाँ सही कहा।
अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा पैसा है। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ, लेकिन हमें सोना तो मिला ही नहीं। तीन सोने का धान बेच के हमें थोड़ी ना इतना पैसा मिल जाता। ना, वो तो नहीं मिलता था, लेकिन इन पैसों से हमारी जिंदगी अच्छी तरह से बीत जाएगी और हमारा घर खर्च भी अच्छे से चलेगा। क्या बोलती हो भाग्यवान, मैंने सही बोला ना? सही बोला। यही हमारी सोने की फसल है। हम दोनों ही बेवकूफ है, हम दोनों लक्ष्मी की असली बात तो समझ ही नहीं पाए। जो वो असली में बताना चाहती थी वही नहीं समझे। हम सच में बेवकूफ है। असल में धान मतलब ही तो सोना है, ऐसा मतलब ही लक्ष्मी। अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग पाया है तुमने। तो फिर? तो अगली बार भी हम ऐसे ही खेती करेंगे और इसी तरह हम अपना सोना उगाएंगे। क्या बोलती हो भाग्यवान?